हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री मिटको। मायसेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। जैसे कि हम लोग लास्ट टू वीडियो लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की क्विक रिविजन शार्ट नोट टाइप के थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर रहता है आप लोगों के लिए। तो एकदम मैं शार्ट नोट कंप्लीट एनसीईआरटी मल्ली मैटर फ्रॉम कंप्लीट एनसीईआरटी से ही, बाहर से कोई मैटर नहीं है। तो एनसीईआरटी को मैंने समराइज करके शार्ट नोट मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। टिशू एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट टिशू। टिशू टू टाइप प्लांट में, मेरिस्टमेटिक टिशू एंड परमानेंट टिशू। ओके, मेरिस्टमेटिक टिशू 3 टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, एंटरिकल मेरिस्टेम एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? रूट एंड शूट पर पाया जाएगा एंड एक्जिलरी बड में पाया जाएगा। तो रूट एंड शूट के द्वारा ये क्या कर, लेंथ इंक्रीज करेगा, जबकि एक्जिलरी बड क्या करता है, ब्रांच एंड फ्लावर इंक्रीज करता है। ओके, एंटरकैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, रिमेंबर दिस, मैच्योर टिश्यू, मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू। ओके, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है कि मैच्योर टिश्यू के बीच में जो पाया जाएगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या कहलाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वर्ड देगा कि मैच्योर टिश्यू में पाया जाएगा। ओके, ये क्या करता है, ये रीजनरेट ग्रासेस आफ्टर ग्रेजिंग बाय हर्बिवोरा। हर्बिवोरा जब उसको ग्रेज कर लेते हैं तो उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। थर्ड टाइप मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम। ओके, लेटरल मेरिस्टेम इसकी डिफिनेशन क्या है कि मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर रीजन ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या था, मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू ऑफ प्लांट। ये क्या है, मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर रीजन ऑफ प्लांट, इन्हीं दोनों में कंफ्यूज आप लोग हो के, मैच्योर टिश्यू की मैच्योर रीजन ऑफ, इफ अगर मैच्योर टिश्यू दिया है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इफ अगर मैच्योर रीजन दिया है तो लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, इंक्रीज थिकनेस आर थिकनेस इंक्रीज करेगा या डायमीटर ऑफ द प्लांट का इंक्रीज करवाएगा कौन, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, तो लेटरल मेरिस्टेम का सेकंड नाम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। तो लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। एग्जांपल फैसिकुलर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, तो डायरेक्ट एग्जांपल पूछ लेता है कि लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर एंड कार कैम्बियम। ओके, तो लेटरल मेरिस्टेम नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, बट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम को बोलते हैं। तो हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू और कंप्लीटेड। नाउ कमिंग ऑन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। टू टाइप, फर्स्ट सिंपल, सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सिंपल टिश्यू पेनकाइमा, कुलेनकाइमा, स्टेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, एग्जाम्पल ऑफ द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, दिस इज डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक एंड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट। फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा इज स्टोर फूड, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, पैरेन्काइमा फंक्शन। नेक्स्ट कोलेनकाइमा कैरेक्टरिस्टिक, वैक्यूल सेंट्रल, सेंट्रली लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा एंड न्यूक्लियस ऑन शिफ्टेड टू साइड एंड साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस हो जाएगा इसका एंड वैक्यूल सेंट्रली होगा, लार्ज होगा एंड थिकनिंग एट द कॉर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, थिकनिंग एट द कॉर्नर, सो थिकनिंग एट द कॉर्नर, सो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि कोलेनकाइमा का इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, थिकनिंग एट द कॉर्नर, सेलोज हेमिसेलोज का डिपोजिशन होगा सेल वॉल में। ओके, क्लियर। एंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जिस क्या, मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट। ओके, नाउ कमिंग स्ट्रक्चर ऑफ
स्किन कैमा, स्किन कैमा टू टाइप फाइबर एंड स्क्रेट, फाइबर इलांगेटेड एंड लार्ज ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन, ल्यूमेन कैसे होगा वाइडर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ल्यूमेन वाइडर होगा, ठीक बात होंगे। एंड स्क्रेट नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन कैसे होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि फाइबर का ल्यूमेन वाइडर होगा और इसका स्क्रेट का ल्यूमेन नैरो होगा। एंड पिट्स स्मॉल स्मॉल पिट्स पाई जाएंगी। ओके नेक्स्ट पेज पर डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम लोगों ने डायग्राम से डिस्कस किया था, यहाँ पर उसका शॉर्ट नोट है। सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा लिविंग, एनिसोकाइमा डोटेड। तो याद रखिए आप लोग, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा लिविंग होते हैं, बोथ आर लिविंग। ओके एंड पैरेन्काइमा स्टोरिंग फंक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस कम करेगा। ओके कोलेन्काइमा थिकनिंग एट द कॉर्नर इंटरस्टीशियल स्पेस सब्सटेंस, जो मैंने बताया यहाँ पर मैं इसको लिख दिया हूँ क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए, कोई वेस्ट चीजें यहाँ पर नहीं लिखी, इसलिए सारे सारे इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिख दिया है। ओके एक्सेंकाइमा कोलेन्काइमा प्रेजेंट इन एग्जाम्पल यंग स्टेम एंड पेटियोल लाइफ लीव्स, मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट बॉडी। ओके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कोलेन्काइमा का। एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड एंड टू टाइप फाइबर एंड स्क्लेराइट, फाइबर ब्रॉड ल्यूमेन एंड वाइडर ल्यूमेन होगा। ओके एंड इलांगेटेड सेल्स की बनी होंगी फाइबर, स्क्लेराइट नैरो ल्यूमेन एंड पिट्स पाए जाएंगे। एग्जाम्पल फ्रूट वाल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक क्या ग्वावा पियर सपोता एंड सीडकोट ऑफ लेग्यूम लीव्स अपटी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क करता है कि स्क्लेराइट का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ स्क्लेराइट पाया जाता है। तो फ्रूट वाल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक ग्वावा पियर सपोता, सीडकोट ऑफ लेग्यूम लीव्स अपटी। ओके क्लियर, सिंपल टिश्यू और कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। तो जाइलम, जाइलम आर फोर टाइप्स, फोर पार्ट ऑफ जाइलम, ट्रैकीट वेसल जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीट इम्परफोरेटेड वेसल्स परफोरेटेड जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम ट्रैकीट एंड वेसल्स, ओके वेसल एब्सेंट इन vessel and xylem fiber absent in gymnosperm, very important characteristic, vessels absent in gymnosperm, but which type of gymnosperm in which vessels are present, vessels present in gymnosperm, example कौन से gymnosperm में vessel पाई जाती है, ephedra टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म विच वेसल्स आर प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन शो करता है, ठीक है ग्रीनिटम इफेड्रा। ओके तो नेक्स्ट ट्रैकीट वेसल जाइलम फाइबर ऑल आर डेड करेक्टरिस्टिक, ट्रैकीट वेसल जाइलम फाइबर ऑल आर डेड हो जाते हैं, जबकि पैरेन्काइमा क्या होता है, ये लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा वनली जाइलम पार्ट विच इज लिविंग इज जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी ट्रैकीट वेसल्स जाइलम फाइबर ऑल आर डेड। ओके क्लियर, वेसल इज ट्रैकीट एंड वेसल क्या काम करते हैं, ट्रैकीट एंड वेसल क्या वाटर कंडक्टिंग का काम करते हैं, वाटर कंडक्शन का काम करेंगे कौन, ट्रैकीट एंड वेसल्स। ओके तो टाइप ऑफ जाइलम इज टू टाइप, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम के पोजीशन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम पोजीशन जाइलम टू टाइप इन पोजीशन इन डार्ज कंडीशन जाइलम एंड एक्सार्ज कंडीशन। देन नेक्स्ट इन डार्ज कंडीशन कहाँ पाई जाएगी, स्टेम की करेक्टरिस्टिक है प्रोटोजाइलम इनर साइड पाई जाएगी। ओके एंड मेटाजाइलम आउटर साइड पाई जाएगी। एग्जार्ज कंडीशन किस में पाया जाएगा, कि रूट की कंडीशन होती है, करेक्टरिस्टिक होती है प्रोटोजाइलम आउटर एंड मेटाजाइलम इनर। ओके क्लियर, एग्जार्ज कंडीशन एग्जार्ज कंडीशन कहाँ पाई जाती है, किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया यहाँ सब लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लोएम, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज फ्लोएम, फ्लोएम आर फोर टाइप लाइक जाइलम फ्लोएम आल्सो फोर टाइप्स,
सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर. इन जाइलम थ्री आर डेड, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम, फाइबर आर डेड, ओनली फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग. बट इन फ्लोएम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑल थ्री आर लिविंग, बट फ्लोएम फाइबर ओनली सिंगल इज डेड. तो क्वेश्चन आ चुका है जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है. अब इसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सी डेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से लिविंग और डेड पर बन सकता है. ठीक है, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल मेन फूड ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, जबकि बाइल जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स एंड सीव सेल्स सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है. वहां क्या पाया जाता है, सीव एलिमेंट पाए जाते हैं ये. ठीक है, सीव एलिमेंट पाए जाएंगे. एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, करेक्ट, वेरी करेक्टरिस्टिक. फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, ये करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट, फ्लोएम फाइबर डेड, बट फ्लोएम फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन राइज, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज, कहाँ से हो सकता है कि फ्लोएम फाइबर डेड होता है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, करेक्टरिस्टिक है. तो फ्लोएम फाइबर अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाएगा कि फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम. नेक्स्ट, और नेक्स्ट पेज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर. देन नाउ कमिंग ऑन द सेकंड टाइप, टिश्यू सिस्टम. प्लांट में टिश्यू सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, थ्री टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ओके, इन एपिडर्मल टिश्यू, इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आज वी एज्यूम, अगर हम अपने थोड़ा एज्यूम करें, आवर हैंड वी एज्यूम आवर हैंड, लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एज्यूम करवा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, हम लोगों के हाथ में या हैंड में क्या होता है कि सबसे बार आउटर लेयर एपिडर्मिस है, ठीक, नेक्स्ट लेयर मसल्स है, मसल्स वेन अदर है, इनर लेयर क्या है, बोन्स है. दिस टाइप सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लांट ऑल्सो, सेम टाइप, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लाइक मसल्स एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम लाइक बोन्स. ओके, कंपेयर विथ आवर हैंड, क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे है ये. तो एपिडर्मिस, हम लोगों की एपिडर्मिस पे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाएंगे, पोर्स पाए जाएंगे एंड एपिडर्मिस पाई जाती है. ओके, एज इन प्लांट ऑल्सो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पर क्या पाया जाता है, एपिडर्मल सेल पाई जाएंगी और पोर के स्थान पर क्या पाया जाएगा, वहां पर स्टोमेटा पाया जाता है एंड हम लोगों के हेयर के स्थान पर क्या पाया जाता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस पाए जाते हैं. सेम सिस्टम है, ज़ूम कीजिए, कंपेयर कीजिए, याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, प्लांट का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम लोगों का भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एज्यूम कर सकते, क्या मसल्स वगैरह हो जाएंगे, मींस बोन एंड एपिडर्मिस को लेफ्ट कर दिया, जो भी बचेगा मसल्स, ब्लड वेसल्स, ऑल आर दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जैसा हो जाएगा. इसी तरह प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सारा मटेरियल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाएगा. ठीक है, ओके, एंड नाउ कमिंग ऑन द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम लाइक आवर बोन, इन द इनर लेयर बोन आवर, इसी तरह से प्लांट में इनर लेयर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम वहां पर पाए जाते हैं. ओके, आप एज्यूम कीजिएगा, कल्पना कीजिए, दोनों का कंपेरिजन कीजिए आवर हैंड एंड प्लांट, कभी आप भूलोगे नहीं. मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, अपने हाथ से कंपेरिजन कीजिए, आप नहीं भूलोगे कि टिश्यू सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन थ्योरी, इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम थ्री टाइप्स, फर्स्ट एपिडर्मल, सेकेंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, थर्ड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ओके, एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल लेयर होती है प्लांट्स में एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस पर स्टेम में क्या कवरिंग होगी, क्यूटकिल की कवरिंग, वैक्सी सब्सटेंसेस क्यूटकिल की कवरिंग होगी, एपिडर्मिस क्यूटकिल कवरिंग ऑन स्टेम. ओके, बट क्यूटकिल अब्सेंट इन रूट,
रूट की पिटाई में इसको ईपी ब्लेमा बोला जाता है, वहां पर क्यूटकिल एब्सेंट रहेगा ओके। बट इपिडर्मिस आप और स्टेम में क्यूटकिल ये क्या होता है, वैक्सी कवरिंग होती है, ये वैक्सी कवरिंग होगी स्टेम पर पाई जाती है ठीक है। नेक्स्ट एस्टोमेटा, एस्टोमेटा हैज थ्री पार्ट्स, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स एंड एस्टोमेटल एपर्चर। तो हम लोग गार्ड सेल को डिस्कस करते हैं। गार्ड सेल टू टाइप्स, डंबल शेप एंड बीन शेप। डंबल शेप गार्ड सेल प्रेजेंट इन मोनोकॉट, ये क्वेश्चन आ चुका है कि डंबल शेप गार्ड सेल किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, जबकि बीन शेप गार्ड सेल किसमें पाया जाएगा, डाइकॉट प्लांट में पाया जाएगा ठीक है। और गार्ड सेल की दो वाल्स होती है, इनर वाल्स एंड आउटर वाल्स। इनर वाल थिक होती है, आउटर वाल थिन होती है, करेक्टरिस्टिक है गार्ड सेल की इनर वाल थिक, आउटर वाल थिक होगी ओके। नेक्स्ट कमिंग ऑन सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल को सराउंड किए हुई कुछ सेल्स होती है, इनको सब्सिडरी सेल्स पाई जाती है, ये हमेशा नहीं कुछ में पाई जाती, सब में नहीं पाई जाती सब्सिडरी सेल्स। थर्ड स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर इज कवर गार्डेड बाय गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर ओपनिंग को कौन कवर करता है, गार्ड सेल कवर करता है ओके। नेक्स्ट कमिंग ऑन द एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस टू टाइप, रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। रूट हेयर कहाँ पाया जाएगा, ऑन रूट पर पाया जाएगा। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है और क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कौन, रूट हेयर क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। फंक्शन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, कौन, रूट हेयर करता है। ये रूट में पाया जाएगा, यूनिसेलुलर होगा ठीक है, एपिडर्मल अपेंडेजेस का पार्ट है। एंड नेक्स्ट ट्राइकोम, ट्राइकोम कहाँ पाया जाएगा, स्टेम पर पाया जाता है, ये मल्टीसेलुलर होगा एंड ब्रांच जो हो सकता है, मल्टीसेलुलर होगा ब्रांच्ड होगा और ये ट्राइकोमान स्टेम पर होता है ये ओके क्लियर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग ऑन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड कमिंग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटर सेल्स ओके। मेड अप पैरेन्काइमेटर सेल्स का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना होगा। एग्जांपल इसका क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कार्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रिज, मेसोपेंसिलिन, लीफ, ऑल आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंडोडर्मिस ऑल आर मेड अप ऑल आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे। और नाउ कमिंग ऑन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम का बना होगा ओके। वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये वैस्कुलर कैसे हो सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। ओपन कब होगा, जब कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो ओपन कहलाएगा, कैम्बियम एब्सेंट रहेगा तो क्लोज कहलाएगा। तो ओपन वैस्कुलर सिस्टम डाइकॉट प्लांट में होता है ये ओके क्लियर। तो ओपन वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाएगा, डाइकॉट प्लांट पाया जाएगा। तो क्यों, क्योंकि कैम्बियम पाया जाएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा ओके। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होगा किससे, ये कैम्बियम से बनता है ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में। अब क्लोज कैम्बियम एब्सेंट होगा तो मोनोकॉट में, इसलिए सो इन मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, क्यों, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है क्लियर, ओपन क्लोज। एंड रेडियल टाइप, रेडियल टाइप वैस्कुलर बंडल इज करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, मींस जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस पर पाए जाएंगे, डिफरेंट रेडियस पर पाए जाएंगे इसलिए ये रेडियल कहलाते हैं। एग्जांपल करेक्टरिस्टिक है, एग्जांपल रूट का एग्जांपल होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल। एंड थर्ड सी कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट ओके ऑन जाइलम फ्लोएम ऑन क्या, सेम रेडियस पर पाए जाएंगे, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस पर जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा ओके। एग्जांपल कंजॉइंट का स्टेम एंड लीव्स हो जाता है, तो कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट टू टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट मींस जाइलम और फ्लोएम के बीच में, अगर कैम्बियम पाया जाएगा तो ओपन, अगर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है तो क्लोज। क्लोज किस में, मोनोकॉट, ओपन डाइकॉट क्लियर। एंड नेक्स्ट पेज दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन सा, विच पार्ट, एस्टोमेटा, दिस इज एस्टोमेटल एपर्चर आर पोर, दिस इज गार्ड सेल, दिस इज सब्सिडरी सेल, दिस इज एपिडर्मल सेल ओके। तो दिस इज गार्ड सेल, इनर वाल इज थिक, इनर वाल इज
ठीक इनर वाल, ओके दिस इज बीन शेप, सो दिस इज गार्ड सेल, ठीक है। और ये क्या है, इनर वाल थिक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज डंबल शेप, दिस इज डंबल शेप गार्ड सेल प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट, दिस इज सब्सिडियरी सेल्स, ये गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल्स, ओके। देन स्टोमेटल एपर्चर, दिस इज स्टोमेटल एपर्चर, क्लियर। नेक्स्ट दिस इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दिस इज प्रेजेंट इन रेडियल, रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन रूट, जाइलम, फ्लोएम एंड डिफरेंट रेडाई, ओके। दिस इज कंजॉइंट क्लोज्ड, कंजॉइंट क्लोज्ड है क्यों, क्योंकि यहां पर ये कैम्बियम एब्सेंट है, ये ठीक है, कैम्बियम एब्सेंट है, सो क्लोज्ड, कंजॉइंट क्लोज्ड, जाइलम फ्लोएम एंड सेम रेडियस, फ्लोएम आउटर जाइलम इनर, क्लियर। नेक्स्ट दिस इज कंजॉइंट ओपन, बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट है, इसे कंजॉइंट ये ओपन हो जाएगा, दिस इज डाइकॉट प्लांट, दिस इज मोनोकॉट प्लांट में पाया जाएगा। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट की एनाटॉमी, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग रूट, फर्स्ट वी डिस्कस रूट अबाउट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट एंड डायग्राम, क्लियर। मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस डायग्राम एंड दिस डिफरेंस, ओके। आउटर लेयर कंप्लीट, आउटर लेयर इपिब्लेमा बोथ इन रूट, आउटर लेयर इपिडर्मिस नोन एज इपिब्लेमा, इन रूट इपिडर्मिस आप नोन एज इपिब्लेमा, इपिब्लेमा दो के दोनों में पाया जाएगा, इन बोथ इपिब्लेमा प्रेजेंट, कॉर्टेक्स इन बोथ मोनोकॉट डायकॉट रूट बोथ कॉर्टेक्स आर प्रेजेंट, इन इंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट, कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिक, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है कि ये सुबरीन का डिपोजिशन होगा, सुबरीन डिपोजिशन होगा, ये क्या होता है वाटर इंपरवियस सब्सटेंसेस होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पर डिपोजिट होते हैं एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस की करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि बैरल शेप सेल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं बैरल शेप सेल्स होती हैं, यू कैन सी दिस बैरल शेप सेल एंड नो इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होता है, इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होगा, बैरल शेप सेल्स होंगी ये, ओके। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस में बोथ में पाई जाएगी, दोनों पाई जाएगी, पेरिसाइकिल दोनों में पेरिसाइकिल पाई जाएगी, कंजक्टिव टिश्यू सेम रहेगा, कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमल सेल प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है, दोनों पाया जाएगा। पर जो मेन डिफरेंस है, ये थ्री डिफरेंस मेन होता है, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट, यहीं से क्वेश्चन अराइज होगा, इधर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्वेश्चन कम फ्रॉम इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है कि डाइकॉट्रूट में वेस्कुलर बंडल डायर टू टेट्राड पाया जाएगा, जबकि मोनोकॉट में ग्रेटर देन सिक्स मीन्स पॉलीआर्ज कंडीशन पाई जाती है, ये ग्रेटर देन सिक्स होगा तो पॉलीआर्ज कंडीशन पाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन काउंट 1, 2, 3, 4 तो डायर टू टेट्राज कंडीशन किसमें है, डायकॉट रूट में है, जबकि वी कैन कॉल मोनोकॉट रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। तो ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, 2 टू 4 करैक्टरिस्टिक फीचर है वेस्कुलर बंडल इन डायकॉट रूट में, 2 टू 4 मोनोकॉट में ग्रेटर देन 6 या पॉलीआर्ज कंडीशन पाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है ये। पिस इन डायकॉट रूट वेरी स्मॉल अमाउंट में पाया जाएगा, मोनोकॉट लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ओके बहुत इंपॉर्टेंट। तो पीस प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा, दो पॉइंट है दोनों याद रखिए, मोनोकॉट रूट डाइकॉट स्टेम में पीस मोर अमाउंट में पाया जाएगा, ओके। कैम्बियम आप प्रेजेंट इन किसमें, डाइकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट, सो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील ऑल द टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टील, ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टील किसको बोलते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर की ऑल द टिश्यू नोन एज स्टील बोलते हैं, एग्जाम्पल पेरिसाइकिल पीस वैस्कुलर टिश्यू ऑल कंप्राइजेस स्टील हो जाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट
हम लोगों ने रूट को डिस्कस कर लिया, अब भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट स्टेम को डिस्कस करेंगे, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। डायकॉट स्टेम एपिडर्मिस, कोई चेंजिंग नहीं, क्लियर, सेम एपिडर्मिस जैसा होगा, मोनोकॉट में एपिडर्मिस, दोनों में सेम एपिडर्मिस पाया जाएगा। बट हाइपोडर्मिस कैसा होगा, क्लोन काइमेटस हाइपोडर्मिस कैरेक्टरिस्टिक है किसका, डायकॉट स्टेम का, याद रखिए। जबकि स्क्रीन काइमेटस हाइपोडर्मिस किसका है, मोनोकॉट स्टेम की। ये यहाँ से ये क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि कोलन काइमेटस किस में है, स्क्रीन काइमेटस किस में पाई जाएगी। ओके क्लियर। और डायकॉट स्टेम की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इंडोडर्मिस स्टार्च शीथ कंटेंट करेगी, ये नेक्स्ट डिफरेंस है। बट मोनोकॉट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है कि इंडोडर्मिस स्टार्च शीथ हो, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, सो नो सच टाइप ऑफ डिवीजन। तो इंडोडर्मिस कंटेंट स्टार्च शीथ, स्टार्च ग्रीन पाया जाए किसमें, डायकॉट स्टेम में, याद रखना आपको। पेरिसाइकिल सेविलुलर पेरिसाइप स्क्रीन काइमेटस पेरिसाइकिल किसमें पाई जाएगी, डायकॉट स्टेम में, मोनोकॉट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। ओके क्लियर। तो हाइपोडर्मिस याद करना है, एंडोडर्मिस याद करना है, पेरिसाइकिल स्क्रीन काइमेटस सेविलुलर पेरिसाइप पाए जाएंगे किसमें, डायकॉट स्टेम में। ओके वैस्कुलर बंडल, नेक्स्ट डिफरेंस, वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट स्टेम, इंसर्ट की लाइन लिखी है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट स्टेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके एंड पिथ लार्ज अमाउंट, मैंने बताया था पिथ लार्ज अमाउंट किसमें, किसमें किसमें लार्ज में पाया जाएगा, डायकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट में लार्ज अमाउंट ऑफ पिथ पाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके तो पांच पॉइंट है डायकॉट स्टेम के, हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस, एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ, पेरिसाइकिल स्क्रीन काइमेटस, वैस्कुलर बंडल, रिंग अरेंजमेंट एंड पिथ लार्ज अमाउंट। ओके मोनोकॉट स्टेम के देख लेते हैं, पिथ स्मॉल अमाउंट, इसमें लार्ज इसमें स्मॉल है। ओके क्लियर। वैस्कुलर बंडल कैसा होगा मोनोकॉट में, स्केटर्ड होगा और सराउंडेड बाय स्क्रीन काइमेटस बंडल शीथ की सराउंडिंग होगी, स्क्रीन काइमेटस बंडल शीथ कहां सराउंडिंग होगी, एक होगा मोनोकॉट स्टेम द फर्स्ट, मोनोकॉट स्टेम एंड डायकॉट लीफ की वैस्कुलर बंडल की सराउंडिंग कौन होती है, ये स्क्रीन काइमेटस बंडल शीथ की सराउंडिंग होगी, है किसकी बंडल, इसके वैस्कुलर बंडल को सराउंड किए रहता है कौन, ये स्क्रीन काइमेटस बंडल शीथ, मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल को, डायकॉट लीफ के वैस्कुलर बंडल को सराउंड करके रखता है। ओके क्लियर एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैस्कुलर बंडल स्केटर्ड होगा। ओके स्केटर्ड वैस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट, सॉरी मोनोकॉट स्टेम, सो स्केटर्ड वैस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट स्टेम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जो स्केटर्ड होंगे पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल, मैं आपको आगे डायग्राम में शो करूंगा, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, जबकि सेंट्रल वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, ये लार्ज होते हैं, सेंट्रल लार्ज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैस्कुलर बंडल पेरिफेरल रीजन के स्मॉलर होंगे और सेंट्रल वाले लार्ज हो जाएंगे, और इन वैस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि डायकॉट में ऐसा नहीं था। वैस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी किसमें होती है, मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी या चैनल पाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके इन वैस्कुलर बंडल फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ठीक है, वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने डिस्कस किया था अभी पिछले में, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट डायग्राम, डायग्राम ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डायकॉट स्टेम। ओके दिस इज डायकॉट स्टेम, एपिडर्मिस देन कोलन काइमा पैरेन्काइमा, दिस कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस इन डायकॉट स्टेम, पैरेन्काइमा एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, दिस इज सेमी लूनर पैचेस, किसका फॉर्म होगा, ये स्क्लेरेन काइमेटस पेरिसाइकिल सेमी लूनर पैचेस इन डायकॉट स्टेम। ओके फ्लोएम कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, दिस इज ओपन एंड मेटाजाइलम, बिकॉज डायकॉट स्टेम इज इनलार्ज कंडीशन पाई जाती है ओपन जाइलम के, तो प्रोटोजाइलम इनर
मेटाजाइलम आफ्टर दिस इज नोन एज इंडार्च कंडीशन बोलते हैं किसको, इसको इंडार्च कंडीशन बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइलम के। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पिस प्रेजेंट, पिस लार्ज अमाउंट में पिस पाई जाएगी। ओके नेक्स्ट कमियान मोनोकार्डिस्टम मोनो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी, स्क्लेरेन काइमेटस। सेंट्रल वेस्कुलर बंडल लार्ज होंगे एंड पेरिफरी स्मॉल हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर। नेक्स्ट देन एनाटॉमी ऑफ लीफ, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। ओके डाइकॉट लीफ एपिडर्मिस, लीफ में दो तरीके की एपिडर्मिस पाई जाएंगी, एडॉक्सियल एपिडर्मिस एंड अबॉक्सियल एपिडर्मिस। ओके तो लीफ में कोई भी लीफ होगी तीन पॉइंट पाए जाएंगे, एपिडर्मिस मेसोफिल एंड वैस्कुलर टिश्यू। नाउ कमिंग ऑन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टू टाइप्स, एडॉक्सियल एपिडर्मिस एंड एबॉक्सियल एपिडर्मिस। एडॉक्सियल एपिडर्मिस फेसेस ऑन द अपर साइड, एबॉक्सियल एपिडर्मिस फेसेस ऑन लोअर सरफेस। ओके तो एडॉक्सियल एपिडर्मिस लीफ डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा लेस होते हैं, जबकि या तो लेस होगा या तो एब्सेंट हो जाएगा। ओके बट एबॉक्सियल एपिडर्मिस मोर स्टोमेटा, ठीक है। अब नाउ कमिंग ऑन मेसोफिल सेल्स, तो डाइकॉट स्टेम में, सॉरी डाइकॉट इन डाइकॉट लीफ टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड इन बोथ एपिडर्मिस, एडॉक्सियल एपिडर्मिस लो एंड एबॉक्सियल एपिडर्मिस टिश्यू प्रेजेंट नोन एज मेसोफिल सेल। मेसोफिल डिवाइड इनटू टू पार्ट, डाइकॉट लीफ में मेसोफिल टू पार्ट में डिवाइड होगा, पाइलिसेट पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड होता है। पाइलिसेट पैरेन्काइमा एडॉक्सिली प्लेस्ड होगा, करैक्टरिस्टिक है पाइलिसेट पैरेन्काइमा कहाँ होगा, ये एडॉक्सिलिया अपर एपिडर्मिस को फेस करेगा, किसका बना होगा, इलांगेटेड सेल्स का बना होता है ये, और इंटरसेल स्पेसेस एब्सेंट होती है, करैक्टरिस्टिक है पाइलिसेट पैरेन्काइमा का इलांगेटेड सेल का बना होगा एंड एडॉक्सिली प्लेस होगा ये। ओके क्लियर। एंड स्पंजी पैरेन्काइमा कमान स्पंजी पैरेन्काइमा दिस इज थॉर्म बाई राउंड आर ओवल सेल एंड लोअर एपिडर्मिस फेस ऑन एबॉक्सिलिया लोअर एपिडर्मिस, प्रेजेंट कहां पर होगा स्पंजी, लोअर एपिडर्मिस को फेस करेगा। ओके क्लियर। तो स्पंजी पैरेन्काइमा राउंड होल होगा एंड लोअर एपिडर्मिस फेस करेगा, इंटरसेल स्पेस पाए जाएंगे, स्टोमेटा पाया जाएगा लोअर साइड। ओके एंड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन वेन एंड मिडरी, वेन एंड मिडरी में पाया जाएगा। ओके वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, मैंने बताया था बंडल शीथ की सराउंडिंग किसमें हो जाएगी, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल की सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ओके वी डिस्कस डायग्राम ऑफ डाइकॉट लीफ, दिस इज एडॉक्सियल एपिडर्मिस एंड दिस इज एबॉक्सियल एपिडर्मिस, क्लियर। दिस इज इलांगेटेड सेल्स पाइलिसेट पैरेन्काइमा एंड दिस इज ओवल सेल स्पंजी पैरेन्काइमा एंड दिस इज वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्टेम काइमेटस, बंडल सेल्स की सराउंडिंग है ये। ओके क्लियर। नाउ कम ऑन मोनोकॉट लीफ एपिडर्मिस एम्फीस्टोमेटिक, क्यों एम्फीस्टोमेटिक, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, बोथ एपिडर्मिस एडॉक्सियल एपिडर्मिस एबॉक्सियल एपिडर्मिस ऑन सेम ऑन, सो एम्फीस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं, जबकि डाइकॉट लीफ को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलते थे, क्यों, क्योंकि लोअर स्टोमेटा ऑन स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एबॉक्सियल सरफेस, सो हाइपोस्टोमेटिक इसकी लीफ को बोली जाती, क्या बोलते हैं, व्हाट हाइपो स्टोमेटिक लीफ बोलते हैं, जबकि मोनोकॉट की लीफ को एम्फीस्टोमेटिक लीफ बोला जाता है, क्योंकि दोनों सरफेस बराबर स्टोमेटा पाया जाएगा। ओके एडॉक्सियल एपिडर्मिस करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट लीफ इज एडॉक्सियल एपिडर्मिस एबॉक्सियल एपिडर्मिस ऑन एडॉक्सियल एपिडर्मिस बुल्लीफॉर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्लीफॉर्म सेल कहां पाया जाता है, प्रेजेंट ऑन
एडॉक्सियल इपिडर्मिस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि जब वाटर स्ट्रेस होता है ये बुलिफार्म सेल फ्लेक्सिड हो जाती है और लीफ कर्ल हो जाएगी। ओके, वाटर स्ट्रेस देन फ्लेक्सिड कंडीशन चली जाए, फ्लेक्सिड हो जाएगी कौन, बुलिफार्म सेल फ्लेक्सिड हो जाएगी, देन नाउ लीफ कर्ल। ओके, दिस इज फंक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये फ्लेक्सिडिटी कंडीशन में लीफ कर्ल कब होती, किसकी वजह से होती है, बुलिफार्म सेल के फ्लेक्सिडिटी की वजह से लीफ की कर्लिंग होती है ये। ओके, क्लियर। नाउ ऑन मेसोफिल सेल्स इन मोनोकॉटलिड मेसोफिल नॉट डिवाइडेड इन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पाइलेटेड पैरेन्काइमा, डिवीजन नहीं होता है, ओनली मेसोफिल सेल पाया जाएगा, ओनली सिंगल टाइप नो, इन मोनोकॉटलिड नो सच टाइप ऑफ डिवीजन इन स्पॉन्जी एंड पाइलेटेड पैरेन्काइमा। ओके, क्लियर। तो डिवीजन किसमें होगा, डाइकॉटलिड में, पाइलेटेड एंड स्पॉन्जी में डिवीजन होगा, याद रखिए आप लोग। ओके, एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम इन मोनोकॉटलिड नियरली ऑल आर द सिमिलर साइज होते हैं, क्यों, क्योंकि सब पैरेलल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, सिमिलर साइज पाया जाए, करेक्टरिस्टिक है, एक्सेप्ट मेन स्टेम, इन मेन मेन वेन को छोड़ करके सारे सारे सिमिलर साइज पाए जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट पे नेक्स्ट। अब नाउ कमिंग ऑन द सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ दिस इंक्रीज इन गर्थ, क्या करता है सेकेंडरी ग्रोथ, ये गर्थ को इंक्रीज करेगा, थिकनेस को इंक्रीज करेगा, इसी को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। दिस इट इज क्यों होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से होता है। लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कारकैम्बियम, दो होते हैं, इनकी वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नाउ कवर द वैस्कुलर कैम्बियम एंड कारकैम्बियम, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड मेडुलरी रिज, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन, ओरिजिनेट ड्यू टू फ्रॉम प्राइमरी जिलम, प्राइमरी फ्लोएम से ओरिजिनेट होगा ये। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड मेडुलरी रिज ये कंबाइन होकर के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं, जो कि सेकेंडरी ओरिजिन का हो जाएगा, सेकेंडरी ओरिजिन, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओरिजिन का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दिस फॉर्म कंटिन्यूअस, ये ज्वाइंट होकर के कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म कर लेते हैं ये कैम्बियम की, और ये आप फॉर्मेशन करेंगे टिश्यू का। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दो तरफ कटिंग करता है, दो तरफ टिश्यू को ओरिजिनेट कराएगा, इनर साइड एंड आउटर साइड, मैं डायग्राम से आप लोगों को शो करूंगा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इनर साइड सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करेगा एंड आउटर साइड सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करता है, ठीक, सेकेंडरी जाइलम मोर फॉर्मेशन होगा, क्यों, क्योंकि इनर साइड ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मोर एक्टिव हो जाती, मोर एक्टिव ऑन इनर साइड, सो मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम आर वुड फॉर्म। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वुड किसको बोलते हैं, वुड इज अ सेकेंडरी जाइलम नोन एज वुड, एंड दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम लेस एक्टिव ऑन आउटर साइड, ये क्या होगा, लेस एक्टिव होता है, इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम ये लेस अमाउंट में फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट। नाउ वी आर कमिंग टू डिस्कस ऑफ डायग्राम ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, वैस्कुलर कैम्बियम इनर साइड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, जब ज्यादा एक्टिव होगा तो ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करेगा, दिस इज द मच मोर सेकेंडरी जाइलम आर वुड, मोर अमाउंट में फॉर्मेशन होगा, जबकि आउटर साइड क्या फॉर्म करेगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड फॉर्म करेगा। ओके, ये लेस अमाउंट में फॉर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट, तो सेकेंडरी जाइलम के जस्ट इनर साइड क्या है, सेकेंडरी जाइलम जस्ट इनर साइड, दिस इज प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम या तो सेंटर में होगा या तो क्रूस हो जाएगा, वो भी वेरी स्मॉल अमाउंट में रहेगा, ठीक है। ओके, वेरी स्मॉल अमाउंट में प्राइमरी जाइलम रहेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट में प्राइमरी जाइलम रहेगा। उसके अगर इनर साइड टू आउटर साइड देखें, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम की जस्ट आउटर साइड सेकेंडरी फ्लोएम है ये। ओके, सेकेंडरी फ्लोएम, दिस सेकेंडरी फ्लोएम, नेक्स्ट लेयर
प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम के आउटर साइड है, दिस इज सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर रीजन। नाउ कमिंग ऑन सेकेंडरी ग्रोथ इन कार्टेक्स रीजन, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जब वैस्कुलर रीजन में होगी मोर मच एंड मोर वुड फॉर्मेशन होगी, तो क्या करेगी बाहर की ओर जब गर्थ बढ़ेगी, गर्थ इंक्रीज होगी तो क्या होगा ये क्रश कर देती है, तो इनको हीलिंग करने के लिए, बाहर को हीलिंग करने के लिए भी एक टिश्यू चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, वहाँ पर क्या पाया जाता है फेलोजन प्रेजेंट इन कार्टेक्स रीजन में, फेलोजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ओके दिस इज फेलोजेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन दी कॉर्टेक्स रीजन, तो फेलोजेन नोन एज कार्क कैम्बियम, तो फेलोजेन इनर साइड एंड आउटर साइड ये भी दो ये इन बोथ डायरेक्शन ये भी टिश्यू को फॉर्म करेगा, इन आउटर साइड फॉर्म फेलामार कार्क फॉर्मेशन करेगा। कार्क में किसका डिपोजिशन होगा, सुबरीन का डिपोजिशन होता है, इसलिए वाटर इम्परवियस सब्सटेंसेस होता है कॉर्क या फेलम। ओके एंड इनर साइड कार्क आउटर साइड ये होगा फेलोडम, इनर साइड में फेलोडम पाया जाएगा, इनर साइड में फेलोडम है सेकेंडरी कार्टेक्स को फॉर्म करता है फेलोजेन, तो आउटर टू इनर फेलम आउटर फेलोजेन जस्ट नेक्स्ट फेलोडम, ये कॉर्टेक्स रीजन में हो जाता है। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोला जाता है, तीनों को कलेक्टिवली पेरिडर्म बोलते हैं। तो आउटर से इनर की ओर अगर हम इंटर करें तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फेलामार कार्क, देन फेलोजेन आर कार्क, देन फेलोडर्म आर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन वैस्कुलर कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम, देन प्राइमरी जाइलम, ये आउटर टू इनर हो जाएगा। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके अब नाउ कमिंग ऑन बार्क, बार्क इज नोन एज पेरिडर्म, मींस दिस इज पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, मींस दिस टिश्यू पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज बार्क, ऑल टिश्यू दिस इज बार्क। ओके दिस इज नोन एज बार्क। तो नॉन टेक्निकल टर्म क्या बोल सकते हैं कि व्हाट All tissue exterior to this is vascular cambium. All the tissue exterior to the vascular cambium, secondary phloem, primary phloem, secondary cortex, phloem, cark. All the tissue exterior to the vascular cambium known as bark बोला जाता है. Pedem plus secondary phloem है, complete आ जाएगा. उसके बाद all tissue to the exterior to vascular cambium known as bark. ये non-technical term हो जाएगा. बहुत important है, यहाँ से आप देख सकते हो। ओके और लेंटिसेल, लेंटिसेल फाउंड इन स्टेम फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टेम में पाया जाता है। लेंटिसेल लेंटिसेल लेंस से ओपनिंग होती है, कहाँ पर स्टेम में लेंस सेल ओपनिंग होती है, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होती है। इनको कौन सी पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पाई जाती है। ओके नेक्स्ट दिस इज डायग्राम ऑफ द लेंटिसेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल लेंस से ओपनिंग, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कॉर्कमियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंडर है। ओके इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन लेंटिसेल फाउंड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये बार्क में पाए जाएंगे। ओके नेक्स्ट नाउ डिस्कस ऑन द स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मच एंड मच मोर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके स्प्रिंग वुड आर अर्ली वुड, ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग वुड अर्ली वुड नाम से जाना जाता है, ऑटोमन को लेट वुड नाम से हम लोग जानते हैं। ओके स्प्रिंग वुड फार्म इन स्प्रिंग सीजन, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम मच मोर एक्टिव हो जाएंगी। थ्योरी पोर्शन की स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम मच मोर एक्टिव होगी एंड एक्टिवली एक्टिव मोर हो जाएगी, तो वाइडर कैविटी जाइलम वेसल्स फार्म करेंगे, तो वाइडर कैविटी जाइलम वेसल्स फार्म करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मच मोर एक्टिव रहेगा तो जब वाइडर कैविटी जाइलम वाइडर लुमेन जाइलम वेसल फार्म होगा तो ये लाइटर कलर हो जाएगा, लाइटर कलर हो जाता है, लोअर डेंसिटी हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक है। ऑटोमन वुड ये ऑटोमन सीजन में एक्टिव होगा, इसको लेट वुड बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम वेरी लेस एक्टिव होंगी, जब लेस एक्टिव होंगी तो जाइलम वेसल्स नारो लुमेन का फार्म होगा, जब नारो लुमेन फार्म होगा तो क्या होगा डेंसिटी हायर हो जाएगा और डार्क कलर की हो जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट। ओके फार्म इन स्प्रिंग सीजन, ओके फार्म इन ऑटोमन सीजन, ऑटोमन वुड जाइलम वेसल्स हैव वाइडर कैविटीज, नारो वेसल्स की कैविटी पाई जाएगी किसमें, ऑटोमन वुड में, वाइडर
स्प्रिंग वुड में। कैम्बियम मोर एक्टिव रहेगा, कैम्बियम लेस एक्टिव ऑटोमन वुड में रहेगा। लाइटर कलर होगा, लोअर डेंसिटी होगी, डार्क कलर होगी एंड हायर डेंसिटी हो जाएगी। ओके क्लियर, सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, कहाँ यूनिफॉर्म नहीं होगा। टेम्परेट रीजन में ये स्प्रिंग सीजन, ऑटोमन सीजन, ऑल सीजन होते रहते हैं, तो थ्रू आउट ईयर मौसम चेंज होता रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ओके जबकि ट्रॉपिकल रीजन में यूनिफॉर्म आर थ्रू आउट ईयर, ये वेदर्स आर सेम, सो वहां पर क्या होगा, इस तरह की कोई वुड नहीं पाई जाती वहां पर। ओके थ्रू आउट ईयर क्लाइमेटिक कंडीशन नॉट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो क्या होगा, चेंज इन सीजन, डिफरेंट काइंड ऑफ वुड फॉर्म होगी, स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड फॉर्म होगी। दीज टू काइंड ऑफ, दो तरह की वुड क्या होती है, अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, एक रिंग बनाएंगी स्प्रिंग सीजन में, एक रिंग नेक्स्ट ऑटोमन वुड में, तो वन ईयर ओनली वन रिंग स्प्रिंग, वन ईयर वन ऑटोमन वुड की एक रिंग फार्मिंग होगी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनुअल रिंग बोलते हैं। ओके तो क्या होगा, ये एक बार, ये वन टाइम्स स्प्रिंग वुड, वन टाइम्स ऑटोमन वुड रहेगा, वन ईयर मल्ली सिंगल रिंग बनेगी। किसी एक को काउंट करते चले जाएं, किसी स्टेम को अगर ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाए तो केवल एक वुड, लाइट को काउंट कर लिया, डार्क को काउंट कर लिया, तेज आप द ट्री एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ईयर में केवल एक ही रिंग फॉर्म होगी। तो थ्रू काउंटिंग दीज एनुअल रिंग वी एस्टिमेट एज आफ्टर रिकॉर्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो एनुअल रिंग को काउंट करके इसके एस्टिमेट करने को क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। ओके नेक्स्ट, हार्डवुड एंड ड्यूरामेन सैपवुड आर एल्बर्नम, दिस इज अनदर टाइप ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक। हार्डवुड आर ड्यूरामेन सैपवुड आर एल्बर्नम फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन सेंट्रल रीजन। किसी सिस्टम को अगर हम लोग कट करते हैं, किसी सिस्टम को कट करते हैं तो मच मोर ब्लैक कलर मच मोर टिश्यू बनेगा। ठीक है, एंड आउटर साइड पेरिफेरल रीजन में लेस अमाउंट में टिश्यू फॉर्मेशन होगा। ओके तो ये जो मच मोर ब्लैक कलर होगा इसको हार्ट वुड या ड्यूरामेन बोलते हैं, एंड आउटर साइड सैपवुड या एल्बर्नम हो जाएगा। ओके तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन सेंट्रल रीजन डार्क ब्राउन इन कलर। ओके क्लियर, डिपोजिशन ऑफ द टैनिन ड्यू, क्यों ये डार्क ब्राउन कलर होता है, ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन गॉयल गम एरोमेटिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिपोजिशन से ये क्या होता है कि डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा, और इसी वजह से इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ड्यूरेबल एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ओके हार्डवुड डार्क ब्राउन कलर, ड्यूरेबल, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है और सेंट्रल रीजन में पाया जाएगा, मच मोर अमाउंट में पाया जाएगा। ओके क्लियर, और ये क्या होता है, जब ये इन सब का डिपोजिशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाएगा तो कंडक्ट वाटर कंडक्शन क्या करेगा, नहीं करेगा, डज नॉट कंडक्ट वाटर। सो दिस इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ डेड हो जाता है यह हार्डवुड, जबकि सैपवुड एल्बर्नम दिस इज आउटर रीजन में पाया जाएगा, लेस अमाउंट में पाया जाएगा, पेरिफेरल रीजन में पाया जाएगा, एंड लाइट कलर का ये है, दिस इज लाइट कलर, एंड नो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिपोजिशन, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होगा। और जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होगा तो इंसेक्ट अटैक कर सकता है, मतलब नॉट इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं होगा। कंडक्ट वाटर को कंडक्ट करेगा, वाटर मिनरल को कंडक्ट करता है, और क्या करता है, फिजिकली डेड तो है बट फिजियोलॉजिकली लिविंग होता है। तो सैपवुड फिजिकली डेड बट फिजियोलॉजिकली लाइव। तो फंक्शन ऑफ ड्यूरामेन क्या है, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ टू प्लांट को ये मजबूती प्रदान करता है, जबकि सैपवुड वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करके देगा। ओके नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, इन डाइकॉट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन, जबकि स्टेम में क्या था, नॉट कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ओरिजिन था, जबकि इसमें क्या है, ये कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का ये है, कौन, डाइकॉट
रूट में, डायकॉट रूट में, ये कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम, के नीचे जो टिश्यू होगा वहां से ओरिजिनेट होगा, एंड पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू, ठीक है, एंड पेरिसाइकल टिश्यू के पोर्शन से ओरिजिनेट होगा, ठीक है, एंड एबव प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस रिंग। प्रोटोजाइलम के एबव एंड फ्लोएम के जस्ट नीचे जो पेरिसाइकल है वहां से उस पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होगा, प्रोटोजाइलम के एबव एंड पेरिसाइकल के जस्ट, फ्लोएम के जस्ट नीचे जो पेरिसाइकल वहां से ओरिजिनेट होता है पेरिसाइकल से, ओके, एंड विच बिकम लेटर सर्कुलर हो जाएगा, और इवेंट आर सिमिलर टू दीज ऑलरेडी डिस्क्राइब एबव फॉर द डायकॉट स्टेम। सब कुछ डायकॉट स्टेम जैसा होगा। अंतर क्या होगा? फर्स्ट अंतर यही होगा कि ये कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है और ये पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होगा, ये फ्लोएम के जस्ट नीचे, ओके। नेक्स्ट, दिस इज डायकॉट रूट डायग्राम, ओके। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर्स इन स्टेम एंड रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में रूट और स्टेम दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट में, नहीं होता, क्यों? क्योंकि मियम एब्सेंट हो जाएगा, ओके। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, प्लीज रिवाइज टाइम टू टाइम, बार बार आप इसको रिवीजन कीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है उस चैप्टर को उतना शॉर्ट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जितना अच्छा बेस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर विद फ्रेंड्स के, आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।